Dear students, assalamu alaikum and welcome to the lecture. The topic we will cover during today's lecture is web application architecture. Before starting today's lecture, let's have a look what we studied during the last lecture. Basically जो हमारे previous दो lectures थे, इन लेक्चर्स में हमने सिस्टम मॉडलिंग को डिस्कस किया. सिस्टम मॉडलिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए. हम डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि एक सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मॉडल कर रहे होते हैं. जो बेसिक पर्पस होता है मॉडलिंग का वो ये होता है कि हम जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें. यानी जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उन्हें सिस्टम को समझाना है तो हम मॉडल्स के थ्रू उसे समझाएं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. इसी तरह से जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम मॉडलिंग का वो ये होता है कि हम डिज़ाइन डिसीजंस जो हैं उन्हें डॉक्यूमेंट कर लें. और जो सिस्टम मॉडल्स होते हैं वो टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं. तो जब कन्फ्लिक्ट्स आती हैं तो इन मॉडल्स के थ्रू हम जो है टीम कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं. जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम जब मॉडलिंग करते हैं तो हम एक सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन्हें मॉडल करते हैं. इनमें जो पहला मॉडल हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग. रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के लिए हम यूएमएल के यूज़ केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ करते हैं. बेसिकली जो यूज़ केस डायग्राम है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनका एक ओवरव्यू देती है कि यूज़र जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिस्टम में होनी चाहिए. और जो यूज़ केस डायग्राम का सेकंड कंपोनेंट होता है वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम के साथ वो हम एक उसका जो हाई लेवल व्यू जो है वो प्रेजेंट करते हैं यूजिंग यूज़ केस डायग्राम. अब यूज़ केस डायग्राम में जो हमने यूज़ केसेस या फंक्शनैलिटीज हमने दिखाई होती हैं उसकी जो डिटेल होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ करते हैं. तो एक्टिविटी डायग्राम में जो है हमारे पास उन स्टेप्स की डिटेल होती है जिन्हें यूज़ करके जो यूज़र है वो कोई गोल जो है उसे अचीव कर सकते हैं. इसके बाद हमने कंटेंट मॉडलिंग के ऊपर डिस्कस किया. कंटेंट मॉडलिंग बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन है उसे मॉडल करने के लिए यूज़ होती है. हम कंटेंट्स के जो स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम मॉडल करते हैं. तो इसके लिए हम जो डायग्राम्स यूज़ करते हैं वो यूएमएल क्लास डायग्राम है एक वेब एप्लीकेशन के जो इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसे मॉडल करने के लिए, और जो बिहेवियरल मॉडल है उसे मॉडल करने के लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम यूज़ करते हैं. इसके बाद हमने नेविगेशन मॉडलिंग के ऊपर डिस्कस किया. बेसिकली नेविगेशन मॉडलिंग जो है वो हाइपर टेक्स्ट एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स जो हैं एक वेब एप्लीकेशन के उन्हें मॉडल करने के लिए यूज़ होते हैं. इसके लिए हमने UWE UML बेस्ड वेब इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्हें यूज़ किया. और आखिर में हमने प्रेजेंटेशन मॉडलिंग के बारे में पढ़ा.
प्रेजेंटेशन मॉडलिंग बेसिकली एक पेज के लेआउट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास जितने पेजेस होते हैं हम उनके लेआउट को मॉडल करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्ट्स ऑफ UWE। इसमें हमारे पास पेज लेवल के जो है कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो है एक पेज के अंदर जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स या डिविजन्स हैं उसके लिए हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट्स होते हैं, और इसी तरह से हर प्रेजेंटेशन यूनिट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन एलिमेंट होते हैं। तो हम एक पेज का लेआउट जो है वो प्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्रेजेंटेशन मॉडलिंग। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम आज के लेक्चर के स्टार्ट में सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम स्पेसिफिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिफाइन करना है तो उसमें क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद हम लेयर्ड वेब आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, इसमें हम टू लेयर्ड आर्किटेक्चर, थ्री लेयर्ड आर्किटेक्चर और एन लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये हमारे आज के टॉपिक हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द हाई लेवल डिज़ाइन ऑन विच द सिस्टम इज बेस्ड। आर्किटेक्चरल फीचर्स इंक्लूड कंपोनेंट्स, कोलेबोरेशंस मीन्स हाउ कंपोनेंट्स इंटरेक्ट एंड कनेक्टर्स, हाउ कंपोनेंट्स कम्युनिकेट। तो बेसिकली जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं तो इसमें हम उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है और उन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसका हम एक हाई लेवल डिज़ाइन जो है इसे हम सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इसके जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जब हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं तो हम एक सिस्टम को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और कंपोनेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो हम जो है मॉडल करते हैं। तो इस तरह से हम एक सिस्टम का जो डायनेमिक और स्टैटिक व्यू है उसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो जो आर्किटेक्चर होता है वो एक बेसिक बिल्डिंग डिज़ाइन के तौर पे यूज़ होता है जिसकी बेस के ऊपर हम पूरा जो सिस्टम है उसे बिल्ड कर सकते हैं। जो सेकेंड एट्रीब्यूट है आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर फॉर्म्स द ट्रांजिशन फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमने पहले कहा कि जब हमने सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो डिसाइड कर लिया तो बेसिकली ये हम जो है उस सिस्टम की जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उन्हें सिस्टम के कंपोनेंट लेवल तक हम जो है डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है वो सपोर्ट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, कंसेप्चुअल, रन टाइम, प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन।
बेसिकली जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो कंसेप्चुअल व्यू, यानी हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और उन एंटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, इसे डिफाइन करता है। इसी तरह से रन टाइम व्यू के जब हम सिस्टम को एक्चुअल रन टाइम इन्वायरमेंट में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सर्वर्स या कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, तो हम इन्हें डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से प्रोसेस जो फंक्शंस हैं सिस्टम के, वो रन टाइम में कैसे एग्जीक्यूट होंगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर के सब कंपोनेंट्स हैं उनके आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, इन तमाम व्यूज़ को जो है वो सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है। मेक्स अ सिस्टम अंडरस्टैंडेबल, यानी जब हम एक सिस्टम को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन कंपोनेंट्स के जो रिलेशनशिप है उन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इस तरह से उस सिस्टम को समझना वो आसान हो जाता है। तो बेसिक ये एस्पेक्ट्स हैं एक सिस्टम के जिन्हें सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है। आइए अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि सिस्टम आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो की ये फैक्टर्स हैं हमारे पास वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी वो रिक्वायरमेंट्स जो कि क्लाइंट्स, यूजर्स या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो उन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टम उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो उन रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर ही हम जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से जो की एलिमेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह से जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटी कंसिडरेशंस हैं वो भी अफेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। हमें जो है किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए सिस्टम के लिए, अगेन ये क्वालिटी एस्पेक्ट है जो कि आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरह से हमने अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है हमें किस लेवल तक चाहिए ये भी आर्किटेक्चर को अफेक्ट करेगा। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो की एलिमेंट्स हैं जो कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, लेगेसी सिस्टम्स, ये भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम है जिसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है विद न्यू सिस्टम, तो अब जो नया सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसके आर्किटेक्चर को हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि हम उस लेगेसी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर सकें। और फाइनली एक्सपीरियंस विद एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पैटर्न्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि जो हमारे डिज़ाइनर हैं आर्किटेक्चर के उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की क्वालिटी को। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास जो की फैक्टर्स हैं जो कि एक सिस्टम के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और जो एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये की रोल प्ले करते हैं किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करने में। आइए अब हम कुछ स्पेसिफिक
इन वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ आर्किटेक्चर्स फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन सेवरल एप्लीकेशन डोमेन हैव बीन डेवलप्ड. फॉर वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यूजली वी कंसिडर लेयरिंग एस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स एंड डाटा एस्पेक्ट्स टू सपोर्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा. बेसिकली हमारे पास बहुत सारी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन टेक पैटर्न्स हैं हमारे पास जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें वेब एप्लीकेशंस की, तो हम यूजुअली ये जो वेब एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर है उसे डिफाइन करने के लिए हम लेयर्ड अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो लेयरिंग प्रोसेस है वो हम आर्किटेक्चर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम ऑपरेशंस को जो है वो सेपरेट कर सकें और उन्हें ग्रुप कर सकें. इसी तरह से अगर जब हमने डेटाबेस सपोर्ट प्रोवाइड करनी है टू स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो उन कंपोनेंट्स को भी हमने जो है वो इंक्लूड करना है वेब आर्किटेक्चर में. फॉर वेब एप्लीकेशन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर मोर डिमांडिंग एज कंपेयर टू डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वेब एप्लीकेशंस की बात आती है तो इसमें क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, जिनमें परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. सिक्योरिटी जो एक वेब एप्लीकेशन है उसे बहुत सारे अननोन जो पॉइंट्स हैं वहाँ से एक्सेस किया जाता है. इसी तरह से जो मलिशियस एक्सेस है उसे भी उससे बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी कंपोनेंट्स ऐड करने हैं. अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है हमने, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के अगर जब यूज़र्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर भी जो है वो वेब एप्लीकेशन का रिस्पांस जो है वो एक्सेप्टेबल हो, तो इन तमाम क्वालिटी एस्पेक्ट्स को हमने देखना होता है और ये ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. अब इन क्वालिटी एस्पेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड स्पेसिफिक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बोथ फॉर डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन. तो हमने जब इंश्योर करना है इन क्वालिटी एस्पेक्ट्स को तो हमें टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम परफॉर्मेंस को जो वेब एप्लीकेशन की है वो नेटवर्क की बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने ये की जो है वो रिक्वायरमेंट है टू इंश्योर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. जब हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर वेब इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर और वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. तो हमारे पास जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हुए हमारे पास जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम है इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें वेब एप्लीकेशन के लिए उसके कंपोनेंट्स के हैं, और इसी तरह से जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं डेवलप कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स के हैं, तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होता है. अब जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है इसके जो कंपोनेंट्स या इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो
एप्लीकेशन डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो वेरी करता है विद नेचर ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अगर हम वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर की बात करें तो वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा जेनेरिक जो है नेचर का होता है। तो हमारा जो फोकस होगा आज के लेक्चर में वो वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर ही होगा। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है वो क्लाइंट होता है। जनरली अ ब्राउज़र इज़ कंट्रोल्ड बाय अ यूज़र टू ऑपरेट द वेब एप्लीकेशन। द क्लाइंट्स फंक्शनैलिटी कैन बी एक्सपेंडेड बाय इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। तो बेसिकली जो क्लाइंट होता है हमारा वो ब्राउज़र के थ्रू वेब एप्लीकेशन को ऑपरेट करता है। इसी तरह से जो प्लगइन्स जो हैं उन्हें ब्राउज़र में एम्बेड करके फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की वीडियो देखना चाह रहा है और ब्राउज़र जो है उसे सपोर्ट नहीं करता, तो उसका प्लगइन जो है वो ऐड करके वो उस फंक्शनैलिटी को भी जो है उससे भी बेनिफिट ले सकता है। जो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का, फायरवॉल, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रेगुलेटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन इनसिक्योर नेटवर्क्स एंड सिक्योर नेटवर्क्स। तो बेसिकली जो फायरवॉल का कंपोनेंट है ये सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए हम आर्किटेक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो फायरवॉल जो है वो रेगुलेट करती है एक वेब एप्लीकेशन की जो ट्रैफिक है उसे। तो इस तरह से जो अनऑथराइज्ड ट्रैफिक या यूज़र्स हैं वो वेब एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी है वेब एप्लीकेशन की वो इन्हेंस होती है जब हम फायरवॉल कंपोनेंट जो है वो यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी, अ प्रॉक्सी इज़ टिपिकली यूज टू टेम्परेरीली स्टोर वेब पेजेस इन अ कैशे। तो बेसिकली जो प्रॉक्सी होती है या प्रॉक्सी सर्वर भी हम कहते हैं इसे, ये हमारे पास जो पेजेस वेब पेजेस हैं उन्हें जो टेम्परेरीली तौर पे स्टोर करता है। तो जब किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट जाती है तो प्रॉक्सी सर्वर से वो उसे जो है वो रिस्पॉन्स किया जाता है यूज़र को। तो इस तरह से जो आपका एक्चुअल सर्वर है उस पे वर्कलोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी एफिशिएंसी इन्हेंस हो जाती है। तो परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए प्रॉक्सी सर्वर जो है उस कंपोनेंट को भी हम आर्किटेक्चर में ऐड कर सकते हैं। वेब सर्वर जो कि एक की कंपोनेंट है किसी भी वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का, वेब सर्वर इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स वेरियस वेब प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP एंड HTTPS टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो बेसिकली जब भी एक क्लाइंट जो है अपनी मशीन से ब्राउज़र के थ्रू किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर जो है वही उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है और जो यूज़र की रिक्वेस्टेड पेज है उसे HTML फॉर्मेट के अंदर जिसे ब्राउज़र जो है वो इंटरप्रेट करता है उस फॉर्मेट के अंदर रिटर्न करता है। डेटाबेस सर्वर, दिस सर्वर नॉर्मली सप्लाइज डाटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दैट इज इन टेबल्स। तो जब हम डायनामिक वेब की बात करते हैं जिसमें हमें डेटाबेस के साथ एक्सेस करना है, तो इस एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए हमें डेटाबेस सर्वर जो है वो चाहिए होता है। जो डेटाबेस सर्वर है बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड जो डाटा जो है उसे
सपोर्ट करता है या प्रोसेस करता है। इसी तरह से लेगेसी एप्लीकेशन, अगर हम वेब एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन्हेंस कर रहे हैं, तो वो जो लेगेसी एप्लीकेशन है वो भी एक कंपोनेंट होगी हमारे वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का। मीडिया सर्वर, दिस कंपोनेंट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर कंटेंट स्ट्रीमिंग ऑफ नॉन स्ट्रक्चर्ड बल्क डाटा, दैट इज ऑडियो वीडियो। बेसिकली जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जब उन्होंने ऑडियो या वीडियो डाटा को डिस्प्ले करना होता है तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब तक पूरी फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती वो प्ले नहीं हो सकती। तो हमारे पास मीडिया सर्वर के थ्रू जो है हम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए ये फैसिलिटी भी देते हैं कि जो ऑडियो और वीडियो डाटा है वो कंप्लीट फाइल जो है वो डाउनलोड हुए बगैर जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से कुछ पोर्शन उस डाटा का जब रिसीव होता है क्लाइंट मशीन के ऊपर तो वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस है वेब एप्लीकेशन की वो इन्हेंस होती है। तो अगर हमें जब नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा सच एज ऑडियो और वीडियो इस तरह की सपोर्ट देनी हो तो हम उसके लिए मीडिया सर्वर को भी एज ए कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर, एन एप्लीकेशन सर्वर होल्ड्स द फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड बाय सेवरल एप्लीकेशंस। बेसिकली जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी डेटाबेस बेस्ड डाटा के लिए तो सर्वर के ऊपर कुछ एप्लीकेशन कोड होता है, उसने एग्जीक्यूट होना होता है। तो जो एप्लीकेशन सर्वर होता है बेसिकली वो उस एप्लीकेशन को होल्ड करता है और जब रिक्वायर्ड होता है तो अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि एक वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। हमने इन कंपोनेंट्स में क्लाइंट, वेब सर्वर, प्रॉक्सी, फायरवॉल, मीडिया सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब इन में से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं कि उन्हें हमने आर्किटेक्चर में इंक्लूड करना है, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी चाहिए और हम जो एक्सेस है एप्लीकेशन तक उसे रेगुलेट करना चाह रहे हैं तो हम फायर वॉल का जो कंपोनेंट है वो ऐड करेंगे। इसी तरह अगर हमें जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा है उसे प्रोसेस करना है तो और स्ट्रीमिंग करनी है उस डाटा की तो हम मीडिया सर्वर को अपने आर्किटेक्चर में शामिल करेंगे। तो अगर हम जो मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के हम उन्हें उनकी बात करें तो हमारे पास जो क्लाइंट है और क्लाइंट मशीन के ऊपर हमारे पास जो है वो ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है, तो ये हमारा मैंडेटरी कंपोनेंट है वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का। और इसी तरह से वेब सर्वर, क्लाइंट ने ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करनी है वेब सर्वर तक और वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स करना है HTML और XML फॉर्मेट के अंदर। तो वेब सर्वर पे जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए HTML और XML को प्रोसेस करने की। अब आप देखेंगे अगर हम ये बिल्कुल सिंपल ये दो कंपोनेंट्स ऐड करें तो ये जो आर्किटेक्चर होगा वो स्टैटिक HTML पेजेस को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। अगर हम इसमें डायनेमिक एस्पेक्ट्स डालें तो मज़ीद हमें जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें ऐड करने हैं। तो हम इसके लिए CGI सपोर्ट, ताकि CGI स्क्रिप्ट को
अंडरस्टैंड कर सके वेब सर्वर, और उसके मुताबिक जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो इसकी सपोर्ट हमें ऐड करनी है, जो कि एक ऑप्शनल कंपोनेंट है। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, जब हम इन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आर्किटेक्चर होगा वो डेटाबेस बेस्ड जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकेगा। अगर हमारे पास कोई लेगेसी सिस्टम है जिसकी बेस के ऊपर हमने नया सिस्टम या एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो लेगेसी सिस्टम जो है वो भी एक कंपोनेंट होगा हमारे आर्किटेक्चर का। इसी तरह से अगर हमने नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे वीडियो ऑडियो फाइल्स को स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हमने जो है परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी है अपने आर्किटेक्चर की, तो हमें मीडिया सर्वर जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जो परफॉर्मेंस है उसे इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो हमें प्रॉक्सी सर्वर का जो कंपोनेंट है वो भी आर्किटेक्चर में ऐड करना पड़ेगा। और फाइनली अगर हम सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट के लिए फायरवॉल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फायरवॉल को इंक्लूड करने से जो हमारा आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा सिक्योर होगा। इसी तरह से हम अगर इन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशंस देखें, तो ब्राउज़र जब रिक्वेस्ट को सेंड करता है तो फायरवॉल जो है उसे फिल्टर करता है, और उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर पे अगर हमने ऐड किया हुआ है तो वहाँ से उसे रिस्पॉन्स जाता है, और जो प्रॉक्सी सर्वर है वो कनेक्ट होता है वेब सर्वर के साथ। इसी तरह से आप देखेंगे जो वेब सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और मीडिया सर्वर, इन तमाम सर्वर्स के साथ कनेक्ट होगा, और वो यूज़र की जो रिक्वेस्ट हैं उन्हें अगर वो डाटा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं तो उन्हें हैंडल करेगा। इसी तरह से जो एप्लीकेशन सर्वर है अगर उसे डाटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो डेटाबेस सर्वर के साथ, और अगर कोई लेगेसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो फिर वो कनेक्ट होगा लेगेसी एप्लीकेशन के साथ। इसी तरह से अगर हम यूज़र को जो है कुछ फीचर्स जो कि वो नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकता उन तक एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो जो ब्राउज़र है उस पर कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ऐड करने होंगे। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास एक आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं हमने उन्हें दिखाया और ये बताया कि हमें किस लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, हम उस लेवल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर। हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि जब हम वेब एप्लीकेशन जो है उसका आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर है। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक लेयर्स होती हैं, हम उनके फंक्शंस देख लेते हैं ताकि जब हम लेयर्ड आर्किटेक्चर को की बात करें तो हम उन लेयर्स को पहले से जानते हों। हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एवरी वेब एप्लीकेशन नीड्स टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एंटिटीज लाइक ह्यूमन यूजर्स और अदर कंप्यूटर्स, अलाउज दीज एंटिटीज टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड एज ए GUI इंटरफेस। तो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो एंटिटीज हैं वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी, और जो फिजिकल अपीयरेंस है उसे हम प्रेजेंटेशन लेयर में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये हमें बताती है हाउ द डाटा शुड अपीयर टू द यूज़र। एप्लीकेशन लेयर जब वेब एप्लीकेशंस कोई आउटपुट दिखाती हैं यूज़र को, तो वो आउटपुट जो होती है समटाइम्स
जस्ट एक डिलीवरी एक्टिविटी नहीं होती कि उसने प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू डिस्प्ले हो जाना है, बल्कि उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है बेसिकली ये कीप करती है या रिप्रेजेंट करती है उस एप्लीकेशन को या उस बिजनेस लॉजिक को। दिस टीयर और लेयर इज ऑफन रिफर्ड टू एज सर्विसेज और बिजनेस लॉजिक। प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन लेयर हमारे पास वो डाटा लेयर। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो वेब एप्लीकेशन होती हैं उन्होंने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो जो डाटा होता है हमारे पास वो या तो डेटाबेस में स्टोर होता है या कोई इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज होती हैं वहाँ पे हमारे पास स्टोर होता है। तो डाटा ले जो डाटा लेयर है डील्स विद एंड इम्प्लीमेंट्स डिफरेंट डाटा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो बेसिकली जो डाटा लेयर होता है इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं एप्लीकेशन को डेटाबेस या जो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज हैं उस तक। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास जो तीन लेयर्स हैं वो प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटा लेयर। तो अगर यूज़र जब किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर जो है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और डेटा लेयर के की मदद से उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और वहाँ से जो रिक्वायर्ड आउटपुट आती है उसे प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू यूज़र को डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे पास तीन बिल्कुल बेसिक लेयर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर डिफाइन करते हुए। तो ये हम जो फर्स्ट और जो बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है फॉर वेब एप्लीकेशन टू लेयर वेब आर्किटेक्चर इसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो टू लेयर आर्किटेक्चर है ये आर्किटेक्चर को टू लेयर्स में डिस्क्राइब करता है। लेयर वन एट क्लाइंट प्लेटफॉर्म होस्टिंग अ वेब ब्राउज़र। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होती है वो बेसिकली क्लाइंट का जो प्लेटफॉर्म या मशीन है जिसके ऊपर हमारे पास वेब ब्राउज़र है, ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है। और जो सेकंड लेयर होती है हमारे पास वो सर्वर प्लेटफॉर्म होस्टिंग ऑल सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास जो सेकंड लेयर आ गई वो हमारे पास सर्वर लेयर है जहाँ पे वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए वो होस्ट होते हैं। इस आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्लाइंट जो है वो जो क्लाइंट लेयर है यानी उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है या रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर जो है वो डायरेक्टली रिस्पोंड करता है क्लाइंट रिक्वेस्ट को। अब इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की जो रिक्वेस्ट हैं उन्हें एक जो हमारे पास सर्वर प्लेटफॉर्म या सर्वर लेयर है वो हैंडल करती है, और इसी लेयर पे तमाम जो प्रोसेसिंग सर्वर्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास फर्स्ट लेयर है क्लाइंट की और जो सेकंड लेयर है सर्वर की, इस पे आप देखेंगे हमारे पास वेब सर्वर भी इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस और स्टैटिक एचटीएमएल और जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो सारे की सारी हमारे पास एक जगह पे इंस्टॉल्ड हैं। अब यूज़र की जब भी रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर जो है उसे अकॉर्डिंगली जो है रिस्पोंड करेगा। अगर हम टू लेयर आर्किटेक्चर के बेनिफिट्स की बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव होता है, हमारे पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है और उसी के ऊपर हमने तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड किए होते हैं।
डिसएडवांटेज इंटर डिपेंडेंसी कपलिंग ऑफ कंपोनेंट्स नॉन रिडंडेंसी लिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो बेसिकली आप देखेंगे हमने जितने भी कंपोनेंट्स हैं आर्किटेक्चर के उन तमाम कंपोनेंट्स को हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है हमने ऐड किया हुआ है। अब होता क्या है कि ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं आपस में डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए किसी कंपोनेंट को रेप्लिकेट करना हो तो हमारे पास ऐसा कोई चॉइस नहीं होती। जो टू टियर या टू लेयर आर्किटेक्चर है बेसिकली ये सूटेबल है हमारे पास जब स्मॉल लेवल की कोई वेब एप्लीकेशन हो जिसपे एट अ टाइम 100 मैक्सिमम यूजर्स जो हैं वो एक्सेस करें। तो इस लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें हम टू टियर या टू लेयर आर्किटेक्चर में जो है यूज़ कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए। टू लेयर आर्किटेक्चर के बाद जो नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास वो है थ्री लेयर वेब आर्किटेक्चर। जो थ्री लेयर आर्किटेक्चर होता है हमारे पास वो बेसिकली जैसा नाम से जाहिर है कि इसमें थ्री लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज डाटा लेयर, सेकंड लेयर इज एप्लीकेशन एंड थर्ड इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो लेयर्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि डाटा लेयर जो है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है टू डाटाबेस। एप्लीकेशन लेयर जो है उस पर एप्लीकेशन रिलेटेड जो कोड या लॉजिक है बिजनेस लॉजिक है वो होती है। और इसी तरह से जो प्रेजेंटेशन लेयर है हमारे पास वो डाटा को डाटा की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है। इन लेयर्स के अलावा हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर में जो एडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी फायरवॉल या कैशिंग मैकेनिज्म प्रॉक्सीज वो भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अगर इस डायग्राम में आप एक थ्री लेयर आर्किटेक्चर देख सकते हैं सबसे टॉप पे हमारे पास क्लाइंट है और इसके बाद हमने फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो भी हमने ऐड किए हुए हैं। अगेन ये कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। इस प्रेजेंटेशन लेयर पे देखिए हमारा जो कंपोनेंट है वो वेब सर्वर है। फिर हमारे पास बिजनेस लेयर है, इस पे हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर और लेगेसी एप्लीकेशन और इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब बिजनेस लेयर जो है हम इसे एप्लीकेशन लेयर का भी कई दूसरा नाम है। इसके बाद आप देखें डाटा लेयर है जिसके ऊपर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से होगी कि जब क्लाइंट जो है किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो पहले फायरवॉल जो है उससे फिल्टर होगी, उसके बाद प्रॉक्सी जो है प्रॉक्सी सर्वर और उसके थ्रू अगर हमें जाना है वेब सर्वर तक तो वेब सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को देखेगा कि ये हमें स्टैटिक पेजेस चाहिए या हमें कोई डायनेमिक एलिमेंट्स चाहिए। तो वो एप्लीकेशन को लेयर को रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और एप्लीकेशन लेयर जो है अगर उसे डेटाबेस तक एक्सेस करना है तो वो डाटा लेयर के थ्रू डीबीएमएस को एक्सेस करेगी और यूज़र की जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो वेब सर्वर को सेंड करेगी। अब वेब सर्वर जो है प्रेजेंटेशन लेयर पे वो उस डाटा को जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करेगा और थ्रू प्रॉक्सी एंड फायरवॉल जो है वो क्लाइंट तक सेंड कर देगा। तो इस तरह से आप देखें कि जो बेसिक वर्किंग है थ्री टियर आर्किटेक्चर की वो हम इस पेज इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो एडवांटेजेस मिलते हैं हमें थ्री लेयर आर्किटेक्चर के,
इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। आपने देखा कि हमारे पास जो एडिशनल लेयर हमने ऐड की थी, उस एडिशनल लेयर पे हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है। अब जब यूज़र्स की रिक्वेस्ट आती हैं, तो जब कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होंगी जिन्होंने स्टैटिक पेजेस चाहिए और कुछ ऐसी होंगी जिन्हें डेटाबेस के साथ लिंक होना है। तो अब जो डेटाबेस प्रोसेसिंग है वो अलग सर्वर या अलग लेयर पे डील हो रही है, तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो यूज़र की रिक्वेस्ट, बाकी की रिक्वेस्ट जो है उन्हें इंटरटेन कर सकती है। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस है थ्री लेयर आर्किटेक्चर की, वो बेहतर होती है एज कंपेयर टू टू लेयर आर्किटेक्चर। डिक्रीज्ड कपलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जब हमने जो डेटाबेस कंपोनेंट है उसे अलग लेयर में रख लिया, तो डेफिनेटली जो कपलिंग है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की वो कम हुई है। एंड इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। डिसएडवांटेजेस, अगेन हम किसी सर्वर को या किसी कंपोनेंट को जो है रिपीट नहीं कर सकते, हमारे पास वो एक जगह पे ही होगा। टिपिकल एप्लीकेशंस, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड यूजर्स जो हैं वो 100 to 1000 हो, इस तरह की एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कॉलेज, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं मीडियम लेवल की, उन जिस पे हमारे यूज़र्स जो हैं वो 100 to 1000 यूज़र्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हों, तो इस तरह की वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। थ्री लेयर आर्किटेक्चर के बाद जो नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास वो एन लेयर वेब आर्किटेक्चर है। मल्टी टीयर और एन लेयर आर्किटेक्चर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द थ्री लेयर आर्किटेक्चर इन वन ऑफ सेवरल डिफरेंट पॉसिबल वेज रेप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ लेयर और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन विद इन अ लेयर। तो बेसिकली जो एन लेयर आर्किटेक्चर होता है हमारे पास वो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इन्हेंस करता है या एक्सपेंड करता है थ्री लेयर आर्किटेक्चर को, और इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो लेयर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। इनमें से जो एक तरीका है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, वो हमारे पास है रेप्लिकेशन। अगर हमें लगता है कि किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है उस पे वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के जो मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं उन्हें अपने आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं नई लेयर्स ऐड करके। तो इस तरह से हमारे पास जो है वर्कलोड वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल कंपोनेंट्स में। स्पेशलाइजेशन के हम किसी एक लेयर में स्पेशलाइज्ड सर्वर्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, तो जो वर्कलोड किसी स्पेसिफिक सर्वर का होता है तो बजाय किसी एक ही जगह पे एग्जीक्यूट होने के, वो अपने स्पेसिफाइड सर्वर पे ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह दो तरह से जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती है। रेप्लिकेशन जैसा भी हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशन एंड डेटा सर्वर्स आर रेप्लिकेटेड, सर्वर शेयर द टोटल वर्कलोड। आप इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सर्वर था उसके हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो ऐड किए हैं, और इसी तरह से डाटा सर्वर के भी। अब क्लाइंट्स की जब रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास अब एक एप्लीकेशन सर्वर के बजाय थ्री, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, तो वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जब एप्लीकेशन सर्वर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे डेटा सर्वर्स के साथ, तो हमारे पास दो डेटा सर्वर्स भी हैं। तो इस रेप्लिकेशन से हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो
इम्प्रूव होती है वेब एप्लीकेशन की। इसी तरह से अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें हम स्पेशलाइज्ड सर्वर्स जो हैं उन्हें ऐड करते हैं। ई सर्वर हैंडल्स आ डेजिग्नेटेड पार्ट ऑफ द वर्कलोड बाय फंक्शन। इसकी आप एग्जांपल देखें, इस डायग्राम में आप देखेंगे हमारे पास जो स्पेशलाइज सर्वर हैं, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं कि वो ई कॉमर्स सर्वर चाहिए, एचआर सर्वर, ईमेल सर्वर, पर्सनल डाटा सर्वर और ई कॉमर्स डाटा सर्वर। हमने एक एप्लीकेशन के अंदर जो स्पेशलाइज सर्वर हैं, बजाय इसके कि हम एक एप्लीकेशन सर्वर हम ऐड करते, हमने स्पेशलाइज्ड सर्वर्स जो हैं मल्टीपल वो ऐड कर दिए। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो एचआर सर्वर से रिलेटेड है तो उसे एचआर सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई ईमेल या ई कॉमर्स सर्वर से रिलेटेड है तो वही स्पेसिफाइड सर्वर जो है उसके रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो वर्कलोड है वो मल्टीपल सर्वर्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एडवांटेजेस, डीकपलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अगेन अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो डीकपल्ड हो गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड रिमूव प्लेटफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू लोड। तो हम लोड के अकॉर्डिंगली रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, और इन दोनों का मिक्सचर भी हम यूज़ कर सकते हैं टू इन्हेंस परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी इम्प्रूव होती है वेब एप्लीकेशन की, और हमने जो है सेम इंस्टेंसेस जो हैं उन्हें हम रिपीट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, हायर कॉस्ट। जब हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें रिपीट किया, हमने स्पेशलाइज्ड जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड किए, तो डेफिनेटली जो है जो हमारी कॉस्ट हैं वो बढ़ जाएंगी। टिपिकल एप्लीकेशन 1000 प्लस यूज़र्स, जब हमारे पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा हों तो उसके लिए हम मल्टीपल लेयर या एन लेयर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, और लार्ज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं आर्किटेक्चर की वो डिपेंड करती हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं वो किस नेचर की है। अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों तरह के जो आर्किटेक्चर्स हैं। हमारे पास जो वाई एक्सिस है इस पे हमने नंबर ऑफ़ यूज़र्स को दिखाया है, जबकि जो एक्स एक्सिस है उसमें कैपेसिटी, स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी और कॉस्ट, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। आप देखेंगे जब हम टू टीयर की बात करते हैं या टू लेयर, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं टीयर और लेयर के वर्ड्स जो हैं, इसमें आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी कम है, और इसी तरह से जो बाकी इसकी कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी कॉस्ट वो भी कम है। अब इस तरह के जो आर्किटेक्चर है वो सूटेबल है लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए एक सूटेबल आर्किटेक्चर है। अगर हम थ्री टीयर आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ गए, इसी तरह से जो कैपेसिटी, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट वो भी पहले से ज़्यादा हो गए। इसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो हम देख सकते हैं स्मॉल ई कॉमर्स, रीजनल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम एन टीयर की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल करने की जो है वो गुंजाइश है, लेकिन जो हमें ड्रॉबैक है कि कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन कैपेसिटी भी बढ़ गई है, स्केलेबिलिटी और रिडंडेंसी जो है वो भी बढ़ गई है। अब इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास लार्ज ई कॉमर्स बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए सूटेबल है। लेक्चर के आखिर में हम एप्लीकेशन एग्जांपल एप्लीकेशन हमने जो यूज़ की थी मॉडलिंग के लेक्चर में, ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग, उसके लिए हम एक आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं।
हम इसके लिए थ्री लेयर अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, क्लाइंट, वेब सर्वर, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। अब एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे पास, इस पे हम जिन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड लेयर है DBMS, तो अगेन जो DBMS हम यूज़ करेंगे वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस लेयर के ऊपर। अब देखें, जैसा कि हमारे एप्लीकेशन का नेचर था, हमें वीडियो डेटा या जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे हमने ट्रांसफ़र करना है। तो अगेन उसकी उसके लिए हमारे पास चॉइस है कि हम लोग नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करें। तो डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद वो यूज़ेबल होगा। इसी तरह से अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं एक्सेस को, तो उसके लिए हमें फायरवॉल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, और प्रॉक्सी जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बाय नेचर हमारी एप्लीकेशन ऐसी है कि हमें एक्सेस को लिमिटेड नहीं करना, तो हम फायरवॉल ऐड नहीं कर रहे। इसी तरह से प्रॉक्सी अगर ऐड करते हैं तो अगेन जो है वो कॉस्ट ज़्यादा होगी नया कंपोनेंट ऐड करने का। हमारे पास जो चॉइस एक और है कि हम मीडिया सर्वर जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक एडिशनल कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास जो वीडियो ऑडियो डाटा है उसकी जो ट्रांसफ़र होगी वो अब स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी। जब हमने मीडिया सर्वर का जो कंपोनेंट है वो ऐड किया, तो हमारे पास जो फाइल्स जब यूज़र को मिलती हैं, तो जब उसका कुछ पोर्शन रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद भी वो यूज़ेबल होंगी। लेक्चर के आखिर में हम आज के हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, हम उन टॉपिक्स को एक समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर है क्या। इसमें हमने ये देखा कि हम जब किसी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो बेसिकली हम उस सिस्टम के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसके बाद हमने स्पेसिफिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि जो बाय नेचर वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उनके जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। तो हमें उन इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। तो हमें जो फोकस करना है वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करते हुए, तो हमारा फोकस एक तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के ऊपर, और दूसरा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर के ऊपर होगा। वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, जबकि हमने जो डिस्कस किया है वो वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर होता है उसे हम यूजुअली लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने टू लेयर आर्किटेक्चर देखा कि हमने पूरा जो आर्किटेक्चर है टू लेयर्स में किया। हमारे पास एक लेयर जो है वो क्लाइंट की लेयर है, जो सेकंड लेयर है वो सर्वर की लेयर है, जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यूज़र जब भी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसे जो सर्वर लेयर है वो रिस्पॉन्स करती है। तो तमाम कंपोनेंट्स एक जगह होने की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है, और ये यूजुअली जो बहुत सिंपल और स्मॉल लेवल की वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए एक सूटेबल आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये इन एक्सपेंसिव होता है। फिर हमने थ्री टीयर आर्किटेक्चर को देखा, जिसमें हम आर्किटेक्चर को थ्री लेयर्स में डाटा, एप्लीकेशन या बिजनेस और प्रेजेंटेशन, इन तीन लेयर्स में मॉडल करते हैं। और इसका जो बेनिफिट हमें मिलता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव होती है,
और जो मिडल लेवल की हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए ये सूटेबल आर्किटेक्चर है। और फाइनली हमने एन लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है उसे डिस्कस किया। बेसिकली एन लेयर आर्किटेक्चर जो है वो थ्री लेयर्ड आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करता है बाय रेप्लिकेशन और बाय स्पेशलाइजेशन। तो रेप्लिकेशन में हम किसी एक कंपोनेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वर्कलोड है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस में डिवाइड हो जाता है, तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और इसी तरह से स्पेशलाइजेशन में हम स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, और जब वर्कलोड जो होता है वो अपने स्पेसिफाइड सर्वर पे ही ट्रांसफ़र होता है, तो जिसकी वजह से भी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके बाद हमने कंपैरिजन किया इन तमाम आर्किटेक्चर्स का। तो जो एन लेयर्ड आर्किटेक्चर है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेहतर है। इसी तरह से जो टू लेयर आर्किटेक्चर है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे कम है। इस स्लाइड पे आप रेफरेंसेस देख सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि यूज़ होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए वेब एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।